आई एम मलाला पुस्तक से 10 पावरफुल पॉइंट्स। परिचय इंट्रोडक्शन। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम उल्लेखनीय आत्मकथा आई एम मलाला की कहानी है। सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई द्वारा लिखित यह पुस्तक उनकी प्रेरक यात्रा को साझा करती है और शिक्षा, सक्रियता और साहस के महत्व पर प्रकाश डालती है। यहाँ आई एम मलाला के 10 शक्तिशाली बिंदु हैं, जो आपको प्रेरित और तैयार रखेंगे अंतर पढ़ना। पॉइंट 1, स्वात घाटी एक शांतिपूर्ण स्वर्ग बिखर गया। द स्वात वैली अ पीसफुल हेवन शैटर्ड। मलाला पाकिस्तान में अपनी प्यारी स्वात घाटी की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है, जिसे कभी तालिबान के आने तक एक शांत और सुंदर जगह के रूप में जाना जाता था। वह उग्रवादी समूह द्वारा लगाए गए भय और प्रतिबंधों का वर्णन करती है, जो अंत शिक्षा के लिए लड़ने के उसके दृढ़ संकल्प की ओर ले जाती है। पॉइंट 2, शिक्षा एक हथियार के रूप में। एजुकेशन एज अ वेपन। मलाला शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में खुद पे विश्वास रखती है। वह इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा न केवल एक मौलिक अधिकार है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन भी है। धमकियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया और लड़कियों की शिक्षा की वकालत करती रही। पॉइंट 3, हमला और उसके बाद द अटैक एंड इट्स आफ्टरमैथ। 2012 में मलाला तालिबान के एक लक्षित हमले में बच गई, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर चोटें आईं। इस घटना ने उसके कारण के लिए दुनिया भर का ध्यान और एकजुटता बिखेरी। यह पुस्तक उन भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियों का खुलासा करती है, जिनका सामना उन्होंने अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान किया और अपने मिशन के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट की है। पॉइंट 4, उसके पिता का प्रभाव। हर फादर्स इन्फ्लुएंस। मलाला अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प का श्रेय अपने पिता जियाउद्दीन यूसुफजई को देती है, जिन्होंने उनकी शिक्षा और सक्रियता को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रगतिशील मानसिकता और शिक्षा के प्रति समर्पण ने मलाला की यात्रा के लिए प्रेरणा का काम किया और बदलाव के लिए उनके जुनून को बढ़ावा दी। पॉइंट 5, आवाज की शक्ति द पावर ऑफ वॉइस। आई एम मलाला अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ बोलने के महत्व पर प्रकाश डालता है। मलाला की वकालत और उनकी आवाज की शक्ति में उनका विश्वास दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, सभी के लिए शिक्षा का समर्थन करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित किया, विशेष रूप से लड़कियों को। पॉइंट 6, लड़कियों का लचीलापन द रेजिलियंस ऑफ गर्ल्स। पूरी किताब में मलाला उन बहादुर लड़कियों की कहानियां साझा करती हैं, जिनसे वह अपनी सक्रियता के दौरान मिली थी। विपरीत परिस्थितियों में उनका लचीलापन युवा महिलाओं की ताकत और क्षमता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। मलाला के अनुभव इस विचार को साबित करते हैं कि लड़कियों को कम करके नहीं आका जाना चाहिए या शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट 7, वैश्विक समर्थन और एकजुटता। ग्लोबल सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी। मलाला की कहानी ने दुनिया भर के लोगों के समर्थन की एक लहर दौड़ा दी। आई एम मलाला शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में वैश्विक एकजुटता के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि जब लोग एक सामान्य कारण के लिए एकजुट होते हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। पॉइंट 8, नोबेल शांति पुरस्कार द नोबेल पीस प्राइज। 2014 में मलाला लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने में उनके अथक प्रयासों को स्वीकार करते हुए सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी। पुस्तक इस मान्यता के महत्व और इस तरह के सम्मान के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। पॉइंट 9, शरणार्थी और विस्थापित व्यक्ति। रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन्स।
मलाला की सक्रियता शिक्षा से भी आगे तक फैली हुई है। वह करुणा, सहानुभूति और समावेशी नीतियों की आवश्यकता पर जोर देते हुए शरणार्थियों और विस्थापितों के संघर्षों पर प्रकाश डालती है। उनका काम वैश्विक मानवीय संकटों को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। पॉइंट 10, लड़ाई जारी है, द फाइट कंटिन्यूज। आई एम मलाला कॉल टू एक्शन के साथ समाप्त होता है। मलाला पाठकों को याद दिलाती है कि उनकी कहानी लाखों में से एक है और शिक्षा और समानता के लिए लड़ाई जारी है। वह व्यक्तियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है, इस बात पर जोर देती है कि हर आवाज और प्रयास से फर्क पड़ सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जैसा कि हम आई एम मलाला के अपने अवलोकन को लपेटते हैं, हमें इस उल्लेखनीय युवा महिला की अविश्वसनीय यात्रा और प्रभाव की याद दिलाई जाती है। मलाला यूसुफजई की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि शिक्षा, सक्रियता। आई एम मलाला।